अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जब तक तुम और तुम्हारे चूजे इस घर से बाहर नहीं जाते ना, तब तक मेरे जीवन में कोई मिठास नहीं आएगी। भाड़ में गई तुम और तुम्हारा ये केक। अपने मन की कड़वाहट हटाओगी तो अपने आप मिठास महसूस करने लगोगी, लेकिन आगे तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, तुमने जूही की ड्रेस खराब करके बहनों के बीच में फूट डालने की कोशिश की, मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने मेरा केक खराब किया, मैं चुप रही। लेकिन अब आगे ऐसी कोई भी हरकत की ना तुमने जिससे मेरे या मेरी बेटियों के बीच में परेशानी आई, तो मैं चुप नहीं रहूंगी। पहले समझाया था कि तुम सुधर जाओ, लेकिन अब समझाऊंगी नहीं, सजा दूंगी। जब तक बात मेरी थी तो 6 साल तक मैं इस घर में वापस नहीं आई थी, अकेले अपनी बच्चों को पाला। लेकिन जब हालात हमें यहाँ खींच के ले आए हैं और अब जब हम यहाँ आ गए हैं, सारे रिश्तों की परत खुल गई है, तो अब मेरी बच्चियाँ अपने पिता और अपने परिवार से दूर नहीं जाएंगी। वो यहीं रहेंगी और उनकी माँ भी उनके साथ इसी घर में रहेंगी। दिशा, तो बेहतर यही होगा कि तुम हमसे दूर रहो, क्योंकि आज अगर मुझ पर आई तो मैं सह लूंगी, लेकिन अगर मेरी बेटियों को एक खरोच भी आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिशा, और अब से मेरी नजर सिर्फ तुम पर रहेगी। दिशा, बाबा जी, पिंकू के पिता प्रतीक नहीं बल्कि मेरा छोटा बेटा निहार है। किंतु मुझे तो एहसास हुआ कि इसका पिता आपका ज्येष्ठ पुत्र है। जी जी बाबा जी, पिंकू का पिता मैं ही। शायद मुझसे कोई भूल हुई होगी। बाबा जी, आप यहाँ आए हैं तो हमारे इन तीनों बच्चों की कुंडली भी बना दीजिए। आपके हाथों से कुंडली बनेगी तो आपका आशीर्वाद हमेशा इनके सर पर रहेगा। अवश्य। आप इन तीनों की तिथि और समय बता दीजिएगा तो मैं आज ही इनकी कुंडली बना दूंगा, क्योंकि कल मेरा मौन व्रत है। जी बाबा जी। थैंक गॉड, मैंने ये कुंडली बदल ली, अब सब सही होगा। ये बॉल मेरे कमरे में पड़ी हुई है, जाकर के पिंकू को दे देती हूँ, बेचारा ढूंढ रहा होगा। बाबा जी के कमरे में क्या कर रही थी? भाई रुक जाओ रुचिता, बाबा जी के कमरे में क्या कर रही थी? क्या गड़बड़ कर रही थी तुम? कहीं रूही चूही की कुंडली में कोई फेरबदल तो नहीं कर रही थी, ताकि बाबा जी ये बोले कि ये दोनों लड़कियां इस घर में नहीं रह सकती? ये दिशा बाबा जी के रूम के बाहर क्यों ताका जाके कर रही? कहीं फिर से कोई गड़बड़ ना कर दे। कुंडली नीचे कैसे गिर गई? कहीं दिशा तो कुंडली बदलने नहीं आई थी? माँ जी, वो निहार की कुंडली जो आपने कल बाबा जी को दिखाई थी, वो कहाँ रखी है? अलमारी में है। क्यों? कुछ नहीं माँ जी, वो मैं प्रतीक के पापा की कुंडली भी लाई थी, सोचा एक ही साथ रख दूंगी दोनों कुंडली। ठीक है, रख दो।
माँ जी, आपने निहार की कुंडली में हल्दी लगवाई थी ना? हाँ, जब बनवाई थी तो पंडित जी ने तभी हर एक पन्ने पर हल्दी से तिलक किया था। इस कुंडली में तो कोई दाग नहीं है, यानी मेरा शक सही था। रुचिता ने कुछ तो गड़बड़ की है निहार की कुंडली के साथ। लेकिन रुचिता ने ये कुंडली क्यों बदली? बच्चों और पिता की कुंडली साथ देखी जाए, इससे भला एक माँ को क्या दिक्कत हो सकती है? मुझे पता लगाना होगा। बच्चों, आज ना मच्छर मारने वाली दवाई का छिड़काव होगा पूरे घर में, इसलिए तुम तीनों अपने कमरे से बाहर मत निकलना, कमरे में ही रहना। और खासकर रोहित, तुम्हें तो सांस की दिक्कत हो जाती है ना धुएं से, बेटा तुम तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलना, ठीक है? ओके दादी। ओके बच्चा, चल चल। निहार, प्रतीक और प्रतीक के पापा ऑफिस गए हैं, ऋतु और दिशा बाजार गई हैं, सिर्फ रुचिता है घर में। उसकी सच्चाई जानने का यही मौका है। सुनिए भैया, काम शुरू कर दीजिए और पूरे घर में धुएं का छिड़काव ऐसे करो कि मच्छर तो क्या, इंसान का भी दम घुट जाए। ऐसे क्या देख रहे हो? इस काम के ना मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगी। धुआं कैसे? वो ना मैंने घर में ना मच्छर मारने की दवाई का छिड़काव किया था, बच्चों से मैंने कहा था कि कमरे में ही रहे, लेकिन अभी जब मैं कमरे में गई तो रूही कमरे में है नहीं। इतना धुआं हो रखा है कमरे में, और भगवान ना करे कहीं रूही को कुछ, ऐसे धुएं में तो जिन्हें सांस की तकलीफ होती है उन्हें तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है ना। हाँ, आपने पक्का रूम में देखा था? वो रूम में नहीं थी। हाँ, मैंने कमरे में जाकर देखा था, मैंने पहले देखा था। हे भगवान, रूही कहाँ गई? रूही बेटा, रूही कहाँ चली गई है? रूही हे भगवान, इसको धुएं से एलर्जी नहीं आती तो ऐसे माइल्ड अस्थमा अटैक आ जाता है। रुचिता, ये अस्थमा की बीमारी तो माँ बाप को होने से बच्चों में आती है ना? दादी, मुझे भी है, मुझे भी ऐसे धुएं से एलर्जी है, कभी कभी मुझे भी ऐसे अस्थमा अटैक्स आ जाते हैं। इसने कहा था कि रूही को सांस की जो तकलीफ है वो रूही को इससे मिली है। ताया की इसे सांस की तकलीफ है? इतने धुएं में ऐसे चल रही है जैसे गार्डन में चल रही है। इसे सांस की तकलीफ वाले को इसे चलते हुए देखा है क्या? इसका मतलब इसने झूठ बोला, लेकिन ये झूठ इसने बोला क्यों? ये तो कहीं नहीं दिख रही। रूही कहाँ चली गई? रूही, रुचिता। हाँ माँ, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, रूही अपने कमरे में ही है। बच्चे आपस में छुपन छुपा खेल रहे थे ना, तो पलंग के पीछे छुप गए थे। मैं जब ढूंढने के लिए गई तो मुझे मिली नहीं, लेकिन कमरे में परेशान मत, मैं एक बार देख कर आती हूँ। हाँ, देख लो देख लो। ये है जूही का बर्थ सर्टिफिकेट। इसमें जूही के पापा का नाम निहार कोयल है। काश कि ये दोनों बच्चियां मेरे मेरे निहार पर जाती हैं, कहीं से भी जुड़वा लगती नहीं। तो कुछ
तो राज है जो रुचिता छुपा रही है, मुझे पता लगाना होगा। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।